बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें नगीना सीट से गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा गया है। पहले चर्चा थी कि मायावती नगीना से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। गौतम बुद्ध नगर सीट से सतबीर नागर को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि यहां बीजेपी ने पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को उतारा है। इनके अलावा बीएसपी ने सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, बिजनौर से मलूक नागर, अमरोहा से दानिश अली, मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब, बुलंदशहर की सुरक्षित सीट से योगेश वर्मा, अलीगढ़ से अजीत बालियान, आगरा सुरक्षित सीट से मनोज कुमार सोनी, फतेहपुर सीकरी से राजवीर सिंह और आंवला से रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। बीएसपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर अगर नजर डालें तो ये साफ है कि उसने हर सीट पर सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा है। गौतम बुद्ध नगर की हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी गुज्जर आबादी है। पहले यहां से सुरेंद्र सिंह नागर बीएसपी से सांसद रह चुके हैं और ऐसे में बीएसपी ने अपने खाते की सीट पर सतवीर नागर को उतारा है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल मेरठ और सहारनपुर सीटों पर भी हाजी यकूब और फजलुर रहमान के जरिए बीएसपी मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर सकती है। तो ये थी बीएसपी के 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जिसमें मायावती ने सभी सामाजिक समीकरणों का काफी ध्यान रखा है। ऐसे में देखना होगा कि बीएसपी की दूसरी लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार शामिल होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब करें। We'll be right back.